हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गोल अचीवर्स। आई एम शालिनी गोयल और आज हम करने वाले हैं ICSE की क्लास 7 का चैप्टर 1 ऑफ फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। इसका फर्स्ट पार्ट भी हम कर चुके हैं एक वीडियो में और आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर चैप्टर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोट ऑफ द डे, रिपीटिशन इज द फादर ऑफ मेमोरी। रिपीटिशन मेमोरी का फादर है, क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ लर्न करते हैं तो उसको रिपीट करते रहें, रिवाइज करते रहें, तो बहुत अच्छे से वो हमारी मेमोरी में फीड हो जाती है। दैट्स वाई, क्यों, इसीलिए कहा गया है कि रिपीटिशन इज द फादर ऑफ मेमोरी। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ एन इरेगुलर शेप, इससे फर्स्ट पार्ट में हमने वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था, आज हम एरिया के बारे में पढ़ेंगे। द एरिया ऑफ इरेगुलर शेप्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड इजीली जस्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। जैसा कि हम रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स का एरिया इजीली फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग सम फॉर्मूलाज, तो इस तरह हम इरेगुलर शेप का एरिया नहीं फाइंड कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है कि हम ग्राफ पेपर के द्वारा उसको फाइंड करते हैं। तो ग्राफ पेपर के ऊपर उस इरेगुलर सरफेस ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, फिर चारों तरफ इसके शार्प पेंसिल से आउटलाइन क्रिएट कर हम आउटलाइन ड्रॉ कर उसका एरिया फाइंड करते हैं। एक्टिविटी करते हैं, इसके लिए हमने एक ग्राफ पेपर लिया जिसका एरिया था स्मॉल स्क्वायर्स का 1 मिलीमीटर स्क्वायर। इस ग्राफ पेपर के ऊपर हमने लीफ रख दी, फिर इसके चारों तरफ आउटलाइन ड्रॉ कर ली। इस तरह से आउटलाइन ड्रॉ की हुई है, फिर इस लीफ को हमने हटा दिया, तो इस तरीके से आउटलाइन क्रिएट हो गई। अब हमने ये जो इसमें कंप्लीट और इनकम्प्लीट स्क्वायर्स मिले हमें, तो उसका हमने काउंट कर लिया कि कितने हमें स्क्वायर्स मिले हैं, और जिनका एरिया हाफ से भी कम है तो उन स्क्वायर्स को हमने निग्लेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से फिर हमने इन स्क्वायर्स की मदद से एरिया फाइंड किया। द टोटल एरिया ऑफ इरेगुलर शेप विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट स्क्वायर्स। मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। फॉर्मूला है इसका, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी किसी भी चीज़ की फाइंड करने के लिए हमें उसका मास की जरूरत होगी और वॉल्यूम की। मास पता हो उसका, फिर डिवाइड हम वॉल्यूम से दे देंगे तो हमें उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मिल जाएगी। अगर इसी डेंसिटी की मैटर में बात करें तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर दैन लिक्विड एंड गैस। सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड की होगी दैन लिक्विड दैन गैस, क्योंकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। हमने जैसा कि एक आयरन का ब्लॉक लिया है, 2 kg आयरन है, 1 kg वुड है, तो आयरन विल हैव मोर मास इफ वी टेक अ क्यूब ऑफ आयरन एंड अनदर क्यूब ऑफ वुड इज ऑफ इक्वल वॉल्यूम। इफ वॉल्यूम हैव सेम then according to mass they will have density, more mass means more density। तो इसमें क्योंकि आयरन का मोर मास था इसलिए इसकी डेंसिटी भी ग्रेटर होगी वुड से। यूनिट ऑफ डेंसिटी, द ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। When we say that density of water is 1000 kg per meter cube, it means that 1 meter cube volume of water weighs 1000 kg. A smaller unit is gram per centimeter cube. Measurement of density of irregular solids. अब इरेगुलर सॉलिड्स की डेंसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर हम इरेगुलर सॉलिड रख देंगे तो वो मेजरमेंट वहाँ पर लिख कर आ जाएगा
इसी तरीके से हम डेंसिटी फाइंड करेंगे इसकी। कैलकुलेशन ऑफ स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट और बॉडी इन यूनिट टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, किसी भी चीज की दूरी और वो हमने दूरी कितने समय में तय की है, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, उससे हमें फिर स्पीड पता चल जाएगी। और अगर हम डिस्टेंस निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे स्पीड और टाइम का, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ऐसा यूनिट स्पीड की है मीटर पर सेकंड, और कार हैज स्पीडोमीटर टू टेल द ड्राइवर हाउ फास्ट ही इज ड्राइविंग। तो स्पीड फाइंड करने के लिए हम जो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। कार्स में स्पीडोमीटर होता है जिस जो बताता है ड्राइवर को कि ड्राइवर कितनी तेज गाड़ी चला रहा है, कितनी तेज ड्राइविंग कर रहा है। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे कि ये एक ट्रायंगल है तो इसका मेजरमेंट है d1 एंड d2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वो गया, तो उसने जो दूरी तय की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए d1 स्क्वायर अपॉन d2 स्क्वायर का अंडर रूट, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर का अंडर रूट। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। तो आज आपका होमवर्क है इस पार्ट 2 में से जो आपको आंसर्स देने हैं कमेंट बॉक्स में 3 क्वेश्चंस के। फर्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी इन एसआई सिस्टम इज डैश, मास इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई डैश। सेकंड थर्ड क्वेश्चन है अ बॉय ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 150 मीटर इन 1 मिनट, His speed is dash। आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, टाइम भी आपको दिया हुआ है। टाइम को बस आपको 1 मिनट जो दिया हुआ है उसको आपको सेकंड में चेंज करना होगा, यानी कि 150 अपॉन 60, तो इसकी मदद से आप फिर स्पीड फाइंड करेंगे। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, आपको चैप्टर्स अच्छे से समझ में आया, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फेलो स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।